नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। खबर आ रही है बुलंदशहर से। आपको बता दें, पीएम मोदी ने वर्चुअली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत बुलंदशहर के 5 न्यू रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। न्यू खुर्जा सानेवाल रेल खंड व ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी लोकार्पण किया। अहमदाबाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से लोकार्पण किया। खुर्जा रेलवे ने पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन को रवाना किया। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहेंगे? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से हमें जो आवागमन है हमारी मालगाड़ियों का, उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया है। और मुझे ये लगता है कि ये आसपास के हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं देखा गया था कि एक फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से हमारे देश में रेलवे लाइन को मजबूती प्रदान की जाए। इतनी लंबी रेलवे लाइन, चाहे वो ईस्टर्न के माध्यम से हो या वेस्टर्न के माध्यम से, फ्रंट कॉरिडोर देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी को। मैडम, 2024 का चुनाव नज़दीकी है, जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से अपील तो मैं करूंगी कि जनता जनार्दन सब जानती है और देखती है देश का विकास किस हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम कर रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, वो जनता जानती है। और जनता जो जान रही है, तो जनता उस पर विश्वास जताने का भी काम कर रही है और दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम कर रही है। इसीलिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर हमारी जनता जनार्दन देख रही है और जोरों शोरों से दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने खुर्जा के लिए सौगात दी है, रेलवे के लिए सौगात दी है, क्या कहेंगे? ये आज के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक हमारे बीच में जो की खुर्जा ब्लॉक अध्यक्ष हार्दिक धन्यवाद, एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इससे हमारे माल ढुलाई के क्षेत्र के अंदर और आगे ऊंचाइयां हासिल करेंगे। भारतीय रेल कमिटेड है, उत्तर मध्य रेलवे भी बहुत कमिटेड है अपने संरक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई के क्षेत्र के अंदर हम नई ऊंचाइयां और नई टारगेट्स को हम अचीव कर रहे हैं। केंद्र सरकार से और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमें लगातार अच्छे अच्छे सौगातें और अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलते जा रहे हैं और हर एक हमारा जो कर्मचारी है और हर एक कॉर्नर से हमारे जो जुड़े हुए साथी हैं, हम इसी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे और ऊंचाइयां हासिल करेंगे।